क्वेश्चन नंबर वन कुछ इस तरह से है, शो दैट रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। तो अपने पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 4/9, जो रेशनल नंबर्स दे के रखे हैं 4/9 एंड 44/99। तो हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देखिए अगर मैं रेशनल नंबर्स कुछ इस तरह से लिखता हूँ P/Q और दूसरा लिखता हूँ R/S, तो ये इक्विवेलेंट तब कहे जाएंगे, लाइक अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर PS का वैल्यू जो है वो QR के बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो हम कहेंगे कि दीज आर इक्विवेलेंट। सो यहाँ पर है 4/9 और इक्वल टू 44/99। अभी हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट ही नहीं, तो हम पहले इक्वल नहीं लिखेंगे। सो वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देयर, ये आ जाएगा 4 × 99 और दैट इज इक्वल टू 9 × 44। सो इट इज़ 4 × 99 ऑब्वियसली, और यह 9 × 44 सेम ही बात है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 99 × 4 जो है दैट इज़ 396। सो 396 इज इक्वल टू 396, हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट है, तो ऑब्वियसली हाँ ये इक्विवेलेंट है। उसी तरह से सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है 7/-3 एंड 35/-15। फ्रेंड्स ये सेकंड पार्ट है, यहाँ भी हमें चेक करना है, शो करना है बेसिकली। तो वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 × −35 इज इक्वल टू दूसरा स्टूडेंट्स −3 × 35। सो 7 × जो ये अपना 15 होता है, ये होता है 105, −105 आ जाएगा बिकॉज यहाँ साइन माइनस है, और 35 × 3 भी स्टूडेंट्स 105 होता है, तो ये भी आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 105 विद माइनस साइन देयर। तो हाँ ये भी जो है वो इक्विवेलेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है −3/5 एंड −12/20। तो फिर से हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 3 × 20 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5 × −12। सो इट इज़ −60 और इट इज़ 5 × 12 = −60 आ जाएगा। तो हाँ यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपना सेम आ गया है, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई सेम। सो हम कहेंगे कि ये सी पार्ट भी जो है वो इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन इक्विवेलेंट है कौन इक्विवेलेंट नहीं है। अगर बराबर नहीं आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट नहीं है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में किया उसका उल्टा करना एक तरह से, देखिए आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ 4/9 और ये है अपने पास 16 और दूसरा पेयर है 16/27। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 27 और यहाँ करेंगे हम 16 × 9। तो फ्रेंड्स 4 × 27 होता है 108 और जो 16 × 9 होता है दैट इज़ 144, दैट इज़ 144। तो ये बराबर नहीं है, तो यस दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट। तो हम लिखेंगे इसे दिस इज़ नॉट इक्विवेलेंट। फिर बी पार्ट पे चलते हैं, जो कि है −100/3। सो इसे भी करेंगे 100 × 9 और दूसरी तरफ आएगा 3 × 300। ओके सो इट इज़ −900 और इट इज़ +900। तो ये भी आपस में सेम नहीं है बिकॉज ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 3, बेसिकली 51 है, तो मैंने इसका −15 ऊपर जाएगा, सो इट इज़ 3 × 51 या −3 × 51 और 3 × −51 एक ही बात है। और इधर है 8 × −17। सो 51 को करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा 153 −153 और 17 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, जो कि आता है 136 विद अ नेगेटिव साइन। सो ये भी आपस में सेम नहीं है, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन में शो करना था कि इक्विवेलेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो हमें लाइक क्वेश्चन में बहुत सारे ये पार्ट दे के रखे हैं, हमें यहाँ पर 3 रेशनल नंबर लिखने हैं इक्विवेलेंट टू लाइक 4/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। देखिए जब भी आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, आप गिवन रेशनल नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए, पर उसको डिनोमिनेटर में भी उसी से करिए और न्यूमरेटर में भी उसी से करिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, जो आपकी बुक में आंसर है उसके हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। लाइक
पहला ऑप्शन क्वेश्चन है 4/7। तो अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में और 7 को भी यहाँ पर 2 से करता हूँ, तो अपने पास आएगा 4 2 8 एंड 7 2 14। ओके, सो दिस इज दिस 8/14 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 4/7, बिकॉज वो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से नीचे भी हुआ है। तो 4/7 कहिए या 8/14 कहिए, एक ही बात है। तो 8/14 इसके इक्विवेलेंट है। सिमिलरली आप 4/7 को मल्टीप्लाई अगला नंबर 3 से कर लीजिए, तो यह देगा 4 3 12 एंड 7 3 21। तो नेक्स्ट जो इसके इक्विवेलेंट है वो है 12/21। फिर आप अपने इस गिवन रेशनल नंबर को 4/7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर और डिनोमिनेटर में भी, सो इट इज़ 16/28। तो ये अपना तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा जो कि 4/7 के इक्विवेलेंट है। सिमिलरली आप अदर पार्ट्स के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि अपने पास है 36, भी इसको डिनोमिनेटर को भी कर लीजिए, सो इट इज़ लाइक रिटन एज 2 18 36, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, और 2 54। तो ये सॉल्व करने पर अपने पास आता है 18/54। तो 18/54 जो है 36/108 के इक्विवेलेंट है। दूसरा आप निकाल सकते हो लाइक 36/108 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/4 के साथ, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी, तो ये 4 से कट जाएगा, लाइक इट इज़ 4 से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 9 36, एंड ये भी 4 से कट जाएगा अपने पास, एंड दैट कम्स आउट टू बी 4 27। तो ये आ जाएगा 9/27, सो दिस इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 36/108। फिर उसके बाद आपके पास फिर से 36 और नीचे है 108। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, डिवाइड भी कर लेते हैं 12 से, 12 3 हो गया स्टूडेंट्स 36, और 12 के टेबल में आता है कट जाता है, सो इट इज़ 12 9 108। सो जो इक्विवेलेंट रेशियल नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 3/9। सो 3/9, 9/27, 18/54 ऑल आर इक्विवेलेंट टू 36/108। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट्स में चेक किया, आप 36/108 को लाइक मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 18/54 के साथ, सेम आंसर आता है और प्रूव हो जाएगा कि इसके इक्विवेलेंट है। आगे है अपना सी पार्ट, इसमें -5/-7 है, तो मैं यहाँ पर -5/-7 को किसी भी इंटीजर से लाइक -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 5 1 5, सो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 1 7, माइनस माइनस प्लस, तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास 5/7। फिर आप इसको लाइक मल्टीप्लाई कर लीजिए अगली बार -5/-7 को, -2 × -2 कर लीजिए, सो ये आ जाएगा 10/40। न्यूमरेटर को भी -2 से किया, डिनोमिनेटर को भी, फिर है -5/-7, इसको 3 -3 से कर लीजिए, -3 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सो इट इज़ 15 एंड 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, तो 15/21 भी आपका एक इसका इक्विवेलेंट रेशियल नंबर आ जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जो कि है 72/180। ओके, तो मैं यहाँ 72/180 है माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 से 36 और 2 से 90, 290 is 180, सो ये आ जाएगा आपके पास -36/90। सो दिस इज वन ऑफ द रेशनल नंबर जो कि 72 -72 और -180 के इक्विवेलेंट है। और फर्दर लाइक और सॉल्व कर सकते हैं -72 × 180, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे ताकि जैसे हमारा पीछे आंसर आया था वैसा ही आ जाए। सो अगेन मैं एम टेलिंग कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके गिवन आंसर्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज आप जो है वो किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, सो मैं इसे यहाँ देखता हूँ मल्टीप्लाई करने का, लाइक मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से ही डिवाइड करता हूँ, सो इसको आ जाएगा अपने पास 18। ओके, सो 18 4 72, और ये 4 से कट जाएगा, 4 4 16 और 24 5 20, सो इट इज़ -18/45। सो दिस -18/45 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू -72/180। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फिर से, मतलब इसी को करना है -72/180। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 12 से डिवाइड कर लेते हैं, सो इट इज़ 12 6 72। ओके, और 12 से 180 कट जाएगा, ये 12 15
12 इंटू 15 हो जाएगा अपने पास 180, जस्ट अ मिनट, 12 इंटू 15 इज बेसिकली 180, यस सो इट इज, इट कम्स आउट टू बी माइनस 6 अपॉन 15, सो ये माइनस 6 अपॉन 15 है, ये भी 72 180 माइनस के इक्विलेंट है, इसके इक्विलेंट मिल जाते हैं हमें तीन नंबर्स, तीन रेशनल नंबर्स, ये और ये दूसरा और ये तीसरा। तो सिंपली जो प्रोसेस है वो ये है कि आप अपने गिवन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और सेम ही नंबर से डिवाइड कीजिए, आपको उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेस 3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, फर्स्ट पार्ट है -21। तो इसे एक्सप्रेस करना है एज अ रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर जो है -21 हो। तो आपको यहाँ बेसिकली ये सोचना है कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -21 आ जाए स्टूडेंट्स। तो आपको बेसिकली 3 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। तो अगर आप ऊपर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद -7। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 विद अ नेगेटिव साइन और डिनोमिनेटर आएगा -35। तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास -21/-35। सो हियर आपने 3/5 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर 21 है, सो -21 इज देयर। सिमिलरली आप बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो न्यूमरेटर करना है वो 150 करना है। सो यू हैव टू एक्सप्रेस 3/5 जिसका न्यूमरेटर 150 हो। तो देखिए आपको यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 50 होता है 150, आपका न्यूमरेटर 150 आना चाहिए। तो 50 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो इट विल बी 150, और 5 को 50 से करोगे तो आएगा 250। सो दिस इज़ द आंसर। सो आपका जो एक्सप्रेस करेंगे आप 3/5 को उसका आंसर बनेगा 150/250। यहाँ न्यूमरेटर 150 है, यहाँ न्यूमरेटर -21 है जो पूछा गया था। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 में। तो यहाँ हमें एक्सप्रेस करना है 4/-7 एज अ रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 84 होना चाहिए। तो हमें 4/-7 को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि डिनोमिनेटर 84 आ जाए फ्रेंड्स। तो अगर आप देखिए 7 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 84 मिलेगा। तो आपको यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12 × 4 = 48 और नीचे आ जाएगा आपके पास -84। सो बेसिकली यहाँ -7 था तो मुझे एक्सप्रेस करना है 84 इन द डिनोमिनेटर। ओके तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई -12 से करूँगा। ओके सो इसे आप ठीक कर लीजिएगा, -12 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वी वॉन्ट 84 इन द डिनोमिनेटर। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर ऊपर आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा बेसिकली अपने पास बिकॉज -12 × 4 इज -48 और 12 × 7 84 -12 × -7 84 + 84 बिकॉज हमें 84 लाना है अपने डिनोमिनेटर में। तो दिस इज द आंसर -48/84। अगला है रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर -28। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ लाना है -28, तो मुझे सिंपली 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी मैं 4 से करूँगा, सो 4 × 4 आ जाएगा 16 और 7 × 4 आ जाएगा 28 बट विद अ नेगेटिव साइन, और मुझे रखना भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। तो जब माइनस का साइन रखना है, इसके पास ऑलरेडी माइनस है तो सिंपली 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा 16/-28, ये 5th का आंसर है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 की तरफ, जहां हमें एक्सप्रेस करना है 90/216 को जिसका न्यूमरेटर 5 चाहिए। तो देखिए न्यूमरेटर 5 चाहिए, 90 को ऑब्वियसली यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा किसी के साथ। तो 90 देखिए, 90 को आप डिवाइड कर सकते हैं 18 से बिकॉज 90/18 होता है 5। तो यहाँ आप 90 को जो है वो डिवाइड कीजिएगा 5 के साथ, सॉरी 18 के साथ, आपको 5 मिल जाएगा। और यहाँ 216 को भी आपने डिवाइड करना है 18 के साथ। तो 90/18 बिकॉज ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 5, और जब आप 216 को डिवाइड करेंगे 18 से आपको मिलेगा 12। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/12, और आपको चाहिए था एक्सप्रेस करना था ऐसा कुछ कि जिसका न्यूमरेटर 5 हो। तो 5 तब आया जब आपने 90 को 18 से किया, नीचे भी उसी से करना पड़ेगा। तो 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 फिर से सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको -64/256 को
रेशनल नंबर लिखना है, एक्सप्रेस करना है विद डिनोमिनेटर 8, ओके। तो 8 आना चाहिए डिनोमिनेटर। देखिए 256 को अगर आप 32 से डिवाइड करते हो तो आपको 8 मिल जाता है। तो बेसिकली करना है -64 और यहाँ है 256, मुझे चाहिए 8 चाहिए मुझे डिनोमिनेटर में, तो मैं इसे डिवाइड करूँगा 32 के साथ और यहाँ भी मैं डिवाइड करूँगा 32 के साथ। तो ये आ जाएगा अपने पास 32 2 64, तो आएगा -2 और 32 से 256 करेंगे ऑब्वियसली 8 बचेगा जो हमें चाहिए था। तो आंसर है -2/8, -2/8 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में। सो फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ कलेक्शन दे के रखी है रेशनल नंबर्स की, 2/5 और कॉमा 6/13। हमें कुछ ऐसी इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखनी है यहाँ पर जिनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ जाए अपने पास, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे इसका मतलब है लाइक अपने पास 2 और 5 है, 2/5 है और 6/13 है। ये अपने पास ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ये दे के रखी है यहाँ पर कलेक्शन 2/5, 6 और 13। तो हमें ऐसी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है, इसका भी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। इस तरह से लिखना है कि जो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा दोनों का उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। अब देखिए यहाँ है 13 और यहाँ है 5, तो मैं क्या करूँगा 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ 2/5 इंटू 13, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ऊपर भी करना पड़ेगा 13 से, तो 13 2 हो जाएगा 26 और 13 5 हो जाएगा 65। सिमिलरली यहाँ पर मैं करूँगा 6/13 और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको करूँगा 5 से और इसको भी करूँगा 5 से, सो इट इज़ 30 और यह आ जाएगा 65। सो मेरे आंसर्स आएंगे 30/65 और एक आ रहा है 26/65। तो हुआ क्या कि ये जो 26/65 है ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2/5 है और ये जो 30/65 है एट दिस इज इक्विवेलेंट टू 6/13 स्टूडेंट्स। बट बात यह है कि ये जो इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं इनका जो डिनोमिनेटर है वो जो है बेसिकली कॉमन है, सेम है डिनोमिनेटर अपना 65 और 65। इस तरह से अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ है 1/7 2/8 3/14, यहाँ 3 आ गए, यहाँ पर ऊपर 2 ही थे। तो हमें ऐसे कुछ लिखना है, इनके इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऐसे कुछ लिखने हैं कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो अगर मैं देखिए 7 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लाइक इट इज़ 1/7 और इसे 8 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8/56। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये 2/8 है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 8 को भी मैं 7 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो 7 2 हो जाएगा 14 और 8 7 हो जाएगा 56। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डिनोमिनेटर दोनों का ही 56 हो चुका है और 8/56 1/7 का इक्विवेलेंट है और आपका 14/56 ये 2/8 का इक्विवेलेंट है। 3/14 है, इसको भी करना है हमें, तो 14 को मैं मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 4 से करना पड़ेगा, तो 3 4 12 और 14 4 56। तो अगर आप तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म्स को देखेंगे 14/56 है और एक 8/56 है और एक 12/56 है, तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है जो भी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स आखिरी पार्ट की तरफ। तो यहाँ भी हमें यही काम करना है। तो देखिए यहाँ है 12, यहाँ है 4 60 और 3, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ 60 है, तो हम इनको 60 बनाने की कोशिश करते हैं। सो 12 का 60 तब बन पाएगा जब आप 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 5/12। इसका इक्विवेलेंट फॉर्म इस तरह से बने कि सबके डिनोमिनेटर जो हैं सभी के बाद में सेम आ जाए, तो 12 5 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा तो आ जाएगा 25/60। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म आया 25/60। फिर 7/4 पे चलते हैं, 7/4। अब देखिए 4 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स 15 से, 15 4 60 होता है, तो ऊपर भी 15 से ही करना पड़ेगा और 15 7 हो जाएगा अपने पास 105 105 और नीचे आ जाएगा 60। तो इसकी जो फॉर्म बन रही है इक्विवेलेंट फॉर्म बन रही है 105/60। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, तीसरा पार्ट जो है
ये 9/60, तो ये ऑलरेडी बेसिकली 9/60 है, इसका डिनोमिनेटर 60 है, हमने सभी का 60 बनाना है तो बना चुके हैं। सो इसको हम ऐसे ही राइट करेंगे। देन वी हैव 11/3, ओके 11/3, तो 3 को देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा इसे 20 के साथ, और ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी 20 से करना पड़ेगा, जो कि बनेगा 11, 20 टेंजा होता है 200, तो ये बन जाएगा 220/60। सो दीज आर द आंसर्स, 9/60, 220/60, 105/60 और 25/60। तो ये इन गिवन के इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, और सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। क्वेश्चन में कहा था डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। कौन किसका इक्विवेलेंट है ये चेक करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 5/12 की, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला है 25/60, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो ये अपने पास आ जाएगा, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 60 और यह है 12 × 25। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बनेगा अपने पास 300, और ऑब्वियसली ये भी बनेगा 300। सो वी कैन से दैट कि ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। साथ में सबके लिखने थे और 60 शुड बी देयर, मतलब मींस डिनोमिनेटर शुड बी सेम देयर। सो दीज आर द आंसर्स फॉर योर वर्कशीट नंबर 2।